हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप यहाँ पे सामने देख रही, ये है बलेनो जो कि ओल्ड वाली है, इससे पहले वाला मॉडल। अब यहाँ पे न्यू वाला मॉडल आ गया है, तो ये इससे पहले वाला मॉडल है। तो ये है हमारी जीतू पंवार भाई की। कैसे हो भाई? भाई जी बढ़िया। बस आप बताइए भाई। मैं भी बढ़िया हूँ। तो ये कौन सा मॉडल है? भाई ये 2020 सिग्मा, बलिनो सिग्मा सिग्मा बेस वाला था है या? बेस। अच्छा बेस। भाई तो बेस लेके इसमें आपने क्या क्या करवा लिया वैसे? कुछ खास नहीं भाई, अब इसको एक तो स्पीडोमीटर चेंज करा रखा है, अलॉय है, एलईडी लगवा ली थी इसमें, और तो कुछ ऐसा कुछ खास नहीं एलईडी है कहाँ पे? इसमें। अंदर वो अच्छा, बल्ब बल्ब चेंज बल्ब करवा चेंज रखा करा है रखा एलोजन है, की जगह। हेलोजन है, और हेलोजन कितने की पड़ी है वैसे हरियाणा में ऑन रोड? ऑन रोड मेरे को पड़ी थी 6.5 की, 6.5 की 6.5 लाख रुपए की पुरानी थी, वाली। पुरानी वाली, अब तो 7.5 की है, मैं नई वाली ली थी अभी भाई को दिलाने के तो लिए। उस टाइम i20 भी थी इसके कंपटीशन में और अल्ट्रोस भी। भाई थी, गलती कर दी मैंने गाड़ी लेके उस टाइम पे, क्यों? हाँ मारुति थी भाई, भरोसा था कि यार, एक तो मेंटेनेंस कम है इसका, इस वजह से ले ली थी। एक उस टाइम अरुण भाई पे भी थी बलिनो, तो मैंने यार क्रेज था उस टाइम, नई नई हाँ आई थी मार्केट में, फिर ले ही ली थी ये शौक शौक में। उसके 1 महीने बाद ही भाई इतना पछतावा हुआ इसको लेके, तो फिर बेस से पछतावा। तो ऐसा क्या क्या लगा, क्या हुआ आपके साथ? हाँ यार। एक तो बिल्ड क्वालिटी नहीं है इसमें बिल्कुल भी, तीन है, और और इसमें भाई ब्रेकिंग में बहुत इशू है, ब्रेकिंग में इश्यू, और बहुत माइलेज तो निकाल देती होगी। माइलेज तो ऐसी कुछ खास अब तक निकाली नहीं भाई, पर मैं कर ले इसमें, कर ले जैसे कर ले माइलेज चेक करी थी मैंने इसकी, मीटर में स्पीडोमीटर में शो कर रही है, 20-21 की दिखा रही थी अच्छा, मैंने अब तक, पेट्रोल में या डीजल में? पेट्रोल में 20-23 पेट्रोल। की दी थी इसमें माइलेज, अच्छा, मैनुअल है। मैनुअल है भाई, माइलेज तो ठीक है, माइलेज की बारे में तो तो ठीक है। पछतावा हुआ तब क्या लगा कि कौन सी लेनी चाहिए थी? i20 की सोची थी, अच्छा i20 देखी थी उस टाइम पर, ये i20 थी इसकी कॉम्पिटिशन हाँ, में, एलीट i20 शिफ्ट थी थी, वो। शिफ्ट था इससे, मेरे को शिफ्ट से गंदी गाड़ी लगी, शिफ्ट इससे भी हल्की बली में, इस वजह से शिफ्ट भी नहीं थी मैंने हाँ शिफ्ट हल्की है वो, भागती तो काफी तेज है वो वैसे। भाई, डीजल में थी शिफ्ट हमारे पास, तो उस वजह से फिर ये वाली ली। अच्छा, तो ये अलॉय वगैरह आपने कितने रुपए के डलवा दिए वैसे? ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भाई सिद्धू मूसे वाला के बहुत तगड़े वाले फैन लगते हैं, इन्होंने ये लगवा रखा है यहाँ पे, लीजेंड्स नेवर डाई वाला। खरीदने के बाद आपने इसमें कितने रुपए खर्च कर दिया मॉडिफिकेशन के ऊपर? भाई मॉडिफिकेशन पे लगभग लगभग अगर मैं मान के चलूँ तो भाई, वैसे अगर कोई नॉर्मली बंदा कराएगा 70-60-70 हज़ार को, अच्छा, तो उसमें क्या क्या लगवा लिए? ये अलॉय व्हील, अलॉय टायर हाँ, और स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर। एक बार और देखते हैं, देखे। उस साइड से दिखाता हूँ, वाले उस साइड से मीटर चालू कर देता हूँ। अच्छा, आप उस साइड आ जाओ, हम इस साइड आते हैं। वो बलिनो बेस मॉडल में भाई उस पहले सिंपल सा आता था, एक ही स्पीडोमीटर उस खाली जो रेस वाला होता था, इसमें भाई अपने आरपीएम भी आ गई, वो तो भाई ऐसा लगता था जैसे मारुति 800 अल्टो अल्टो का आता था ना, बहुत ही ओल्ड सा लगता था, इसी वजह से कुछ स्टोरी वोरी पाने में अच्छा नहीं लगता। और ये इसमें भाई म्यूजिक सिस्टम तो एक कंपनी से उस टाइम जो ली थी, जब ही लगाया था, 2 स्पीकर दिए थे उन्होंने सोनी के, 2 महीने इसमें वरना वाले ऐड करा रखे हैं, वो अच्छा बॉस वाले या नॉर्मल? वरना बॉस वाले अच्छा, वो अरुण भाई ने दिए थे मेरे को। तो मैं टोटली वैसे मॉडिफिकेशन तो गाड़ी में फ्री भाई भाई, ऐसा कुछ खास मैंने मॉडिफिकेशन में पैसा गाड़ी में लगाया नहीं है। एयरबैग इसमें दो आते हैं, एयरबैग दो आते, आर्म रेस्ट भी बाहर से लगवाया था, आर्म रेस्ट भी नहीं आता इसमें, बेस में कुछ भी नहीं आता भाई बेस में तो। और ये सीट कवर लगवाई हुई है इसमें या वैसे ये नॉर्मल सीट है? नॉर्मली भाई सीट, अभी जो सीट कवर कुछ नहीं है मैंने गाड़ी में, अभी कुछ काम मैंने अंदर से कुछ ज़्यादा कुछ कराया नहीं, जो भी मॉडिफिकेशन है मेरी सारी फ्री वाली मॉडिफिकेशन है, सीट है बढ़िया है वैसे, कुछ नहीं बस भाई इस गाड़ी में, बस एक बिल्ड क्वालिटी में थोड़ी मार खा रही है गाड़ी, और तो गाड़ी ठीक है। वो तो मारुति सुधरेगी नहीं, ये कटेंस के ऊपर चालान वगैरह होता है ना। और चालान तो है पर भाई गर्मी इतनी है, तो अपन लोकल में चलते हैं जब लगा लेते हैं, बाहर जाते हैं जब हटा लेते हैं भाई। सही है। गाड़ी वही बंदी बहुत ही बड़ी, मैं कल ही बाहर से आया था, फिर बात हुई बताया था आपको। तो हाईवे पे कितना माइलेज निकाला है लास्ट इसने आई? भाई लास्ट कल इसने लगा रहा था 22 पॉइंट कुछ दिखा रही थी, 30 मीटर में शो कर रही थी, आई थिंक मेरे हिसाब से 23-24 दी है, 23-24 80 की स्पीड में मेंटेन करी थी। तो बढ़िया है ये तो, किसी पेट्रोल माइलेज जैसा, में तो ठीक है भाई, माइलेज की तो इसकी बोलने में तो तारीफ और है। पिकअप वगैरह में भी अच्छी होगी शायद i20 से। तो हाँ पिकअप i20 में तो वो तो देखो पता लगेगी, मैंने कभी ट्राई नहीं करी, ड्राइव रेस कभी करी नहीं है इसके साथ, आज कर लेंगे, देखते हैं चलो कौन सी गाड़ी जीतेगी वो आपके सामने रहेगा। पर अभी मेरी इस गाड़ी पे भाई पैसा लगाने की इच्छा है, तुम्हारी दुआ से भाई गाड़ी तो बुक होगी पर गाड़ी अभी मिलेगी नहीं, नई वाली। स्कॉर्पियो हाँ
स्कॉर्पियो ने बुक कर दी भाई। वो 25,000 में बुक होगी? 25 में बता रहे हैं भाई, कंफर्म नहीं, मैं शोरूम पर जाऊंगा। उसमें लिख रहा है ना कौन सा प्राइस लिख रहा है, इंट्रोड्यूसरी या वो एट द डिलीवरी वाला? एट द डिलीवरी वाला शायद, तो वो तो फिर बड़ी भी प्राइस ही मिलेगी भाई। उस टाइम ऐसा लग रहा था बस तू बुक कर गाड़ी को, बस उस टाइम कुछ भी नहीं दिख रहा था मेरे को उस टाइम जो गाड़ी की बुकिंग करी थी मैंने। वो तो 2-3 लाख रुपए बढ़ाएंगे शायद। सुबह अरुण भाई तो ऐसे बोल रहे थे कि स्पेस वगैरह के लिए बताओ। स्पेस के लिए तो भाई गाड़ी में जी गया है भाई, स्पेस कितना स्पेस है आपके पास? ओ स्पेस इतना ज्यादा, ये तो i20 से भी काफी ज्यादा हो गया। स्पेस में तो भाई, स्पेस के मामले में तो गाड़ी है, स्पेस की तो बोली जाएगी भाई गाड़ी की, स्पेस में तो गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी से गाड़ी मार खड़ी है और तो कुछ खास। चलो ब्रेकिंग भी हो जाएगा, ये शायद अब की वाली में थोड़ी बिल्ड क्वालिटी इंक्रीज हुई है, इंप्रूव है इस वाली, इस वाली में जो पुरानी नई वाली से थोड़ा बहुत इंप्रूव है। नहीं ली थी भाई हमने अभी। स्टीयरिंग पे तो कोई भी कंट्रोल नहीं देते बेस मॉडल भाई, कुछ बेस मॉडल में मीट स्पीडोमीटर तो ऐसा देते हैं भाई, तुम देखो यार क्या अल्टो में बैठे बेस में तो बलिनो में कुछ भी नहीं दे रहे। अब बेस में उन्होंने सही दे रहे स्पीडोमीटर देने लगे और सेंट्रल लॉकिंग देने लगे, चारों पावर विंडो थे बेस में, दो ही पहले दो पावर विंडो देते थे। दो ही है पीछे वाले, कौन से हाथ वाले ही हैं? टंडी वाले हैं वो, तो अल्टो की याद दिलाते हैं। मीटर भी था उस टाइम तो अल्टो ही दिखती थी, पर ठीक है थोड़ा ठीक लगता है। चलो बढ़िया है, ये डे नाइट वाला है। डे नाइट वाला दे दिया इसमें भाई, कोई मिरर ब्रेड भी है नहीं, दोनों में कोई इसी में भी, और ज्यादा कुछ खास गाड़ी में है नहीं भाई। हाँ बेस मॉडल में ज्यादा फीचर्स वगैरह भी नहीं है। मेरे को तो ये टॉप मॉडल भी अच्छी लगती है भाई बोलिनो का, बस ये अब कौन सी अच्छी लगती है वैसे? अब तो स्कॉर्पियो नहीं लेनी इस टाइम, अगर आपके पास वो 6.5 या 7 लाख रुपए होते तो कौन सी गाड़ी लेते? मेरे पास इस टाइम 7.5 लाख रुपए होते भाई, मैं इग्निस गाड़ी पे तरफ जाता। इग्निस? हाँ तो वो तो उसमें बिल्ड क्वालिटी नहीं है, नहीं गाड़ी बिल्ड क्वालिटी उसमें तो इतनी खास, इससे तो अच्छी है, पर गाड़ी जो मैंने रोड पे चलाई है, मैंने चला के देखी है भाई, मेरे को अलग ही मजा आता उस गाड़ी में। इग्निस में हाँ, अब 7 लाख लेके जाऊंगा मैं, फिलहाल 7 लाख भी लेके जाऊंगा, बलिनो को बेस मॉडल भी नहीं मिलेगा। i20 का भी बेस भी नहीं मिलेगा, 8 लाख तक जा रहा है। यही तो बात हो रही है, 7 लाख रुपये के अंदर आपको बस या तो मिलेगी वैगनर CNG 6.5 की आती है, एक एस्प्रेसो आती है 5-6 लाख, बताओ एस्प्रेसो 6 लाख रुपए की गाड़ी है। उसके बाद फिर भाई अपने को इंग्लिश मिल जाती है, i10 मिल जाती है, यही गाड़ी है भाई, 2-3-4 गाड़ी और इग्निस है भाई, इन सब में बेस्ट अपने इंग्लिश लगी भाई। ये म्यूजिक सिस्टम भी ठीक है, एप्पल कार प्ले चल जाता है भाई, और क्या चीज़ इसमें एप्पल कार प्ले चल जाता है, इस छोटे वाले में भी चल जाता है। चलो बढ़िया है, ऐसे म्यूजिक सिस्टम तो ठीक है सोनी का था, जो दो स्पीकर दिए थे उन्होंने। अच्छा ये साथ में तो कुछ नहीं आता होगा, ये डलवाया होगा आपने एसेसरी? एसेसरी में 21,000 की एसेसरी ली थी मैंने उस टाइम। अच्छा वो 21,000 में ये ही दिए होंगे, और तो ये थे स्पीकर से, और शायद मेरे को पीछे वाला वो दे दिया, वो क्या बोलते हैं उसको, खिड़की पे डिग्गी पे जो क्रोम गार्निश। अच्छा बस पीछे वाली डिग्गी पे दिया और नहीं दिया मेरे लिए, और साइड के मिरर चेंज कर दिए, मिरर वो कैप चेंज कर दी थी। अच्छा ये वैसे ऑटोमेटिक नहीं भाई, कुछ भी नहीं, आपके इस वाली में भी ऑटोमेटिक नहीं है, उन्होंने भी ऐसे ही सिंपल है। हाँ वो बेस में नहीं देती, बेस में तो मतलब है नाम का ही वो देते हैं, इतनी कट ऑफ करते हैं इतना ज़्यादा लिमिट से भी ज़्यादा। तो ये था यहाँ पे जीतू भाई की बलेनो सिग्मा का रिव्यू, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और भाई थैंक यू रिव्यू देने के लिए, धन्यवाद भैया, आप लोगों का प्यार आते रहते भाई। जयपुर साइड भाई बहुत अच्छा लगा मिलने के लिए, आओ आप जयपुर घुमाएंगे आपको, आप आएंगे भाई जयपुर साइड, जिस दिन चक्कर लगे भाई से मिलेंगे भाई के साथ, i20 के साथ ड्रैग रेस देख जरूर करेंगे शायद भाई के चैनल पर आपको मिल जाएगी देखने के लिए, और भाई को थोड़ा प्यार दो, चैनल सब्सक्राइब करो भाई को, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।